सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं अपने वीडियो का। तो इसके लिए हम लोग इस रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी ब्लू रखेंगे तो ब्लू तो काफी ठीक ठाक लग रहा है, ग्रीन और ये दोस्तों रेड, पिंक, पिंक अपने लिए नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग रख लेते हैं, अरे ये वाला कलर जो कि काफी सही लग रहा है। आप लोग भी बताना कमेंट करके, ब्लू सही है, ग्रीन सही है, रेड सही है या फिर ये, बता देना कमेंट करके। अब बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में है क्या। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग फर्स्ट टाइम अपने गेमिंग पीसी में ट्राई करने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19 को, जिसे भाई काफ़ी सारे लोग खेलना पसंद करते हैं और मैंने भी दोस्तों कई बार अपने फ़ोन में इस गेम को खेला है, जिसमें भाई फार्मिंग करनी होती है, पैसे कमाने होते हैं। तो बहुत ही कमाल की गेम होने वाली है। और अगर आप लोगों को दोस्तों इस गेम की गेम प्ले चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि अपने गेमिंग चैनल पर इसके गेम प्ले आ जाएंगे, लेकिन आपकी डिमांड होनी चाहिए तभी मैं उसमें मेहनत करूंगा, क्योंकि भाई वो वीडियो बनाने में और गेम के वीडियो एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। तो अगर आप लोग दोस्तों देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम लोग गेम प्ले बनाएंगे। अब चले दोस्तों शुरू करते हैं फार्मिंग सिम्युलेटर गेम को। तो भाइयों ये रही गेम फार्मिंग सिम्युलेटर 19। तो हम लोग सबसे पहले करियर में जाएंगे। वैसे दोस्तों मैंने स्टार्ट करके इस गेम को देख लिया है, काफ़ी कमाल की गेम है, तभी मैं सोचा कि इस गेम को अपने पीसी में ट्राई करा जाए और आप लोगों के भी दिखाया जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते होंगे इस गेम को खेलने के लिए या फिर दूसरी गेमों को खेलने के लिए। तो अपने पास दोस्तों जो पीसी है वो है तो AMD बेस्ट पीसी बिल्ड है। इसमें दोस्तों AMD की ओर से आने वाला राइजन 3 3200Z प्रोसेसर लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों 8GB की रैम है और ग्राफिक कार्ड दोस्तों नहीं है। ये दोस्तों जो प्रोसेसर है वो एक APU है, जिसमें ऑलरेडी दोस्तों वेगाइट के ग्राफिक्स हमें मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों GTA 5 को मीडियम सेटिंग में या फिर भाई फ्री फायर को और दोस्तों फार्मिंग सिम्युलेटर को भाई अभी मैं 1080p में खेल रहा हूँ। आप लोगों को मैं बाहर जाके दिखा देता हूँ कि कौन सा भाई चल रहा है। इसमें ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, रिजोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, HD है, फुल HD है। तो चलिए बैक जाते हैं और क्लियर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों न्यू फार्मर है हम लोग, फार्म मैनेजर या फिर स्टार फ्रॉम स्क्रैच। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो हम लोग दोस्तों न्यू फार्मर है तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमें करेक्टर चूज़ करना होता है, जो कि ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर चूज़ करा हुआ है आप लोगों के सामने है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। भाई वो गेम तो बहुत ही कमाल की है और ग्राफिक्स भाई अगर फुल HD में खेलोगे, 4K में खेलोगे तो काफ़ी सही लगेगी, लेकिन भाई हम लोग फुल HD में खेल रहे हैं, जो कि एक्सलेंट दोस्तों ग्राफिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी कमाल की गेम है, मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों खेलने में। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा है कि फार्मिंग करनी होती है, खेती करनी होती है और खेत में जो फसल उगे, यानी कि दोस्तों रियल लाइफ पे बेस्ड गेम है, जो फार्मर होते हैं उनके लाइफ पे कि क्या करना होता है, कटाई करनी होती है, इसके बाद दोस्तों धान बेचना होता है, इकट्ठा करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये एडवांस फार्मिंग हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में दोस्तों ऐसी फार्मिंग कुछ ही जगह पर मेरे ख्याल से होती होगी, क्योंकि ज़्यादातर तो भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर दोस्तों जो मजदूर है वो खेत की कटाई करते हैं, वहाँ पर तो दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनों से कटाई करी जाती है दूसरे देशों में। तो उनके देश के ऊपर बेस्ट दोस्तों मेरे ख्याल से ये गेम है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग यस कर देते हैं और हमें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं, तो हम लोग ओके करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए व्यू गेम का, काफ़ी कमाल की गेम है और दोस्तों इसका जो व्यू है वो माइनक्राफ्ट जैसा ही है। आप लोग देख लीजिए, सभी बातों को छोड़ते हैं और डायरेक्टली आते हैं दोस्तों गेम पे फोकस करते हैं। तो भाई गेम आप लोग देख लीजिए कि काफ़ी कमाल की गेम है। यहाँ पर दोस्तों 9 को दबाते हैं हम लोग तो मैप ओपन हो जाता है और हम लोगों का दोस्तों इतना ही एरिया है। आप लोग देख लीजिए ये जो फार्म है दोस्तों वो हमारा है और हमें दोस्तों आगे की ओर जाना है, जहाँ पर दोस्तों हमें ये हार्वेस्टर या थ्रेसर क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं, थ्रेसर तो भाई जो धान निकालता है, लेकिन इसे थ्रेसर भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये धान की कटाई भी करता है और धान भी निकालता है साथ ही में। तो काफ़ी कमाल की दोस्तों गेम होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा मेरे ख्याल से, प्रेस ई टू एंटर वही कल्चर, और ठीक है हम लोग प्रेस, और ये हार्वेस्टर आप लोग देख लीजिए भाई साहब, आपको दोस्तों बता नहीं सकता भाई कितनी कमाल की गेम है ये, काफ़ी कमाल की गेम है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इंटर कर जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों बताया जाएगा कि अटैच टूल करने के लिए ये करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे ख्याल से अटैच नहीं है जो ये पड़ा हुआ है भाई धान कटाई करने के लिए, तो हम लोग क्यू को ब्रश करते हैं और ये आप लोग देख लीजिए, वाह बेटे मौज कर दी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसे अटैच कर सकते हैं
और यहाँ पर दोस्तों हमें दबाना पड़ेगा एक्स ताकि ये जो है वो रेडी हो सके। बाप रे बाप, क्या कमाल की गेम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धान की कटाई। लेकिन इतना अच्छा भी ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन भी मिलता है, और वो ऑप्शन है दोस्तों आप लोग किसी को हायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हायर करने का तो ऑप्शन नहीं आया, लेकिन अरे भाई साहब हम लोग नीचे उतर गए। चलो दोबारा से शुरू करते हैं अपना काम धाम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग थोड़े से आगे चले जाते हैं अपने थ्रेसर को लेकर, अरे पीछे जा थोड़ा सा और बी को प्रेस करते हैं, जिससे भाई वो कटाई चालू हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और धीरे धीरे दोस्तों हम लोग बढ़ाएंगे इसको बिना कहीं मूव करे। तो यहाँ पर दोस्तों धान की कटाई मेरे ख्याल से सीधी होनी चाहिए और स्लोली चलाएंगे। और भाई वो चिड़िया उड़ रही है भाई इसके अंदर से, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पीछे जो गिर रहा है वो भाई सारा कचरा है, और जो भाई जो धान इकट्ठा हो रहा है वो इसके अंदर ही हो रहा है। ये जो भाई हार्वेस्टर है इसके अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ इस क्या। ओके हम एच को प्रेस करते हैं, और भाई मैं आपको सी से अंदर दिखा देता हूँ कि क्या अंदर रहता है। जो धान है दोस्तों इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ये पड़ा अंदर। गेहूं की दोस्तों ये फसल होने वाली है, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये दोस्तों है धान जिसकी अभी हम लोग कटाई कर रहे हैं। भाई बहुत ही कमाल की गेम है यार, हम लोग 360 में इसे देख सकते हैं और थ्रेसर के अंदर भी घुस सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जूम जूम आउट, देखो आप लोग कितनी दूर तक हम लोग कैमरा लेके चले गए। तो यहाँ पर दोस्तों बी को प्रेस करते हैं दोबारा से, तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन अभी हम दोबारा से चालू कर देते हैं। और भाई हम लोग एच को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही कटाई चालू हो जाएगी। इसे दोस्तों मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, रीज़न ये है कि ये जो भाई हम लोगों ने हायर किया है, जितना भाई काम करेगा उतना हमारा पैसा कटता जाएगा। ओ भाई ये क्या कर रहा है रे हमारे खेत की, भाई ये क्या कर देगा रे भाई, हमारे खेत को खत्म कर देगा तू लुबड़े। ओ भाई साहब ये सीन क्या रे, निकल तू पहली फुर्सत में, निकल तू पहली फुर्सत में निकल, कहा ना तुझे निकल तू हमारे पूरी खेत की। भाई क्या कहूँ यार मैं, देख सकते हो आप लोग पूरा खेती खराब कर दिया हम लोगों का। चलो हम लोग भाई अभी हम लोग चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बी को प्रेस करते हैं, और भाई थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं बैठा इसमें। चलो कोई नहीं, अभी भाई अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि गेम, वाह बेटे मौज कर दी इसने तो। और भाई मेरे ख्याल से जो खेत है वो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, इसकी वजह से थ्रेसर भी थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ इस तरफ चल रहा है। तो पूरी खेत की कटाई कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो भाई धान की तो कटाई हम लोग कर रहे थे, लेकिन सामने की ओर और हमें एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं इससे और उसके ओर भाग के जाते हैं कि ये है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, थ्रेसर को लाना था या फिर हमें खुद आना था वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है अटैच टूल क्यू, ओके एंटर द व्हीकल। अरे भाई ये हमें सिखा रहा है कि क्या हमें करना है, चलो सीख लेते हैं भाई। और अटैच करना है भाई जो पीछे भाई दांती पड़ी है, क्या कहते हैं इसे पता है नहीं, जो भी है भाई बताना कमेंट करके इसके इसे क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा खेत के बारे में पता नहीं है। लेकिन ट्रैक्टर ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि ये ट्रैक्टर है। और भाई आप लोग अगर इस फोन के कैमरा से देख रहे हो तो भी आपको गेम काफ़ी सही लग रही होगी, और मैं तो दोस्तों यहाँ पर खेल रहा हूँ पीसी में। पहले दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहता था, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भाई क्या हो रहा था कि क्वालिटी बिल्कुल ही डाउन जा रही थी। तो हम लोगों ने भाई क्या करा कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, तो काफ़ी सही है। अभी हमें भाई यहाँ पर खेत जोतना है, क्या करना है पता नहीं, यहाँ पर कुछ फसल लगी हुई है, किसकी लगी है ये भी मुझे नहीं पता है कि किसकी फसल है। और यहाँ पर भाई ये क्या धुआं निकल रहा है, अरे भाई साहब देख सकते हो आप लोग धुआं निकल रहा है ट्रैक्टर के यहाँ से, आप लोग देख लीजिए ये रहा। तो भाई काफ़ी कमाल की गेम है। अभी हम सबसे पहले क्यू को करते हैं और ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। और अभी भाई हमें क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो ये अटैच हो चुका है, ओके थोड़ी सी गेम कहाँ पर लेकर ही पता नहीं। विषय में क्या करना है लोअर टूल, ओके ओके विषय ये होगा लोअर टूल। चलो देखते हैं, अब चलाते हैं अपना ट्रैक्टर। अभी क्या होगा, ओके समझाने में क्या करना है इसमें, एज को दबाते हैं, किसी को काम पे रख लेते हैं। तो अपना एक बंदा दोस्तों काम कर रहा है, और यहाँ पर भाइयों देख सकते हैं आप लोग। और अभी हमें दोस्तों खेत को पूरा साफ करना है। चलो यहाँ पर एच को करेंगे, और वर्कर को दोस्तों काम दे दिया गया है, तो ओके कर देते हैं। टैप टू स्विच टू नेक्स्ट व्हीकल,
ओके, हम लोग टैब को क्लिक करते हैं और एज को क्लिक करते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, टैब को क्लिक करते हैं, टैब किधर गया तो और हाँ समझ गए हम लोग। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट व्हीकल पे जा सकते हैं डायरेक्टली। ओह भाई यहाँ पर तो रेलगाड़ी चल रही है चुक चुक, और थ्रेसर पे आ गए वापस, और यहाँ पर दोस्तों ट्रैक्टर, यानी कि दोस्तों हम लोग एक एक ही बटन से दूसरे दूसरे व्हीकल में इंटर कर सकते हैं। वाह क्या सीन है, मज़ा आ गया। चलो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमें, और ये क्या हो गया, ओके ये दोस्तों वजन के लिए है अगला जो लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बैग के लिए क्या, बैग के लिए क्या प्रेस करा था हम लोगों ने, एक्स प्रेस करा था। यानी कि भाई ये जो खेत है पूरा का पूरा हमें क्लीन करना है, समझ रहे हो आप लोग, ये सारा खेत हमें क्लीन करना है। अरे भाई ट्रैक्टर इतनी जल्दी भाग क्यों रहा तू, चलो अपना खेत भाई अभी साफ हो रहा है पूरी तरीके से। ऐसे में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, सही करने में नहीं लेकिन बिगड़ने में एक्सपर्ट है देखो। अरे दूसरी घास को ये क्यों नहीं काट रहा यार, चलो कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही चलाते हैं ट्रैक्टर। अगर हमें कोई काम पे ऐसे ट्रैक्टर चलाने के लिए कहे तो दोबारा से भाई वो कहेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग काम ही कुछ ऐसा करते हैं आधा इधर से आधा उधर से। बढ़िया चल रही है भाई गेम तो, बिल्कुल ही बढ़िया चल रही है राइजन 3200G में, जिसमें भाई वो वेगा 8 के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और आप लोग भी खेलना चाहें तो खेल सकते हो, क्योंकि गेम काफ़ी कमाल की है भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई वो गेम खेलने में, टाइम पास बहुत हो जाता है इसमें। अगर आप लोगों को दोस्तों गेम प्ले चाहिए इस गेम के तो भाई बताना कमेंट करके, क्योंकि बहुत ही कमाल की गेम है, मुझे काफ़ी पसंद आई और आपको भी पसंद ज़रूर आएगी। तो बस यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में।